Assalamu Alaikum students. Today I will deliver the lecture of SST of 5 class. I hope you will be fine and you have learned the previous lesson. In previous lecture we have discussed about the landscape of Balochistan and its fact on page number 14. Now our today's topic is mud volcanoes. Students in today's video we will discuss about mud volcanoes of Balochistan. Basically, mud volcanoes form when water, gas, and mud from the ground escape to the surface of the earth. Such volcanoes are found in the west of the province. Now I'm going to read this paragraph from book. Balochistan has over 80 active mud volcanoes. Balochistan may 80 active volcanoes. Hain. A mud volcano is क्रिएटेड वन वाटर गैसेज एंड मर्ड फ्राम डीप अंडरग्राउंड एस्केप टू दर्फस ऑफ द अर्थ एक मड वैनो उस वक्त पैदा होता है जब पानी गैस और कीचड़ गहरी जेर जमीन की सतह तक निकल जाता है देयर इट spreads आउट और फॉर्म्स mountains एंड कॉन्स ये वहीं फैल जाता है और टेले बनाता है या हिल्स बनाता है द मड एंड गैसेज कैन एक्सप्लोर हाई इन टू द एयर एंड जस्ट उज आउट स्लोली ऑन टू द्राउंड मड और गैसेज ऊँची हवा में फट सकती हैं या आहिस्ता आहस्त जमीन में निकल सकती हैं अनलाइक लावा वोकैनलोज द टेम्परेचर ऑफ मड वोलैनोज कैन बी क्वाइट कोल हियर वी कैन से डैट टेम्परेचर ऑफ मड वोल्कैनोज कैन बी क्वाइट कोल रादर दैन लावा वोलैनलोल्स Now I'm going to read second paragraph. In this paragraph we will read uh, where mud volcanoes are often found. Mud volcanoes are often found in areas where oil and natural gas is found and sometimes small amounts of oil come up to the surface with the water and gas. Mud volcanoes un alaku me jati tail or कुदरती गैस मौजूद हो बाज़ा तेल की कम मकदार भी गैस और पानी के साथ जमीन की सतह से बाहर निकल आती है नाओ आई एम गोइंग टू रीड नेक्स्ट पैराग्राफ नाओ इन दिस पैराग्राफ वी विल रीड द एरियाज ऑफ बलोचिस्तान वेयर मड वोल्स फाउंड इन बलोचिस्तान देर आर मड वोकैनल इन द वेस्ट ऑफ द प्रोविंस इन द ग्वादर डिस्ट्रिक्ट मड वोल्केकैनोज सूबे की वेस्ट डायरेक्शन में हैं ग्वादर के जिला में स्टूडेंट्स इन दिस बेसिकली रीड मड वालनोज आर फाउंड इन द वेस्ट ऑफ द प्रोविंस दिस वालकैनोज आर स्मॉल वन ऑफ द मोस्ट फेमस वोल्केनो इज चंद्रागुप्त हियर द वालकैनोज आर क्वाइट स्मॉल जो ग्वादर के डिस्ट्रिक्ट में जो वालकैनोज़ uh, हैं वो क्वाइट स्मॉल हैं

हिंदू मकरान सिलसे के सिलसिले के करीब साहिल हिंगलाज की जीारत करते हैं क्योंकि आतिश विशा के लिए उनका ख्याल है कि वॉलकैनो बहुत मुक़दस हैं पिलग्रम स्टे अप ऑल नाइट ऑन द बेस ऑफ द वॉलकैनो मेकिंग रोटीज़ विच आर ऑफर टू द वॉलकैनो स्टूडेंट्स पिलग्रिम मीन्स ज़ायरीन जो जीारत के लिए आते हैं ज़ायरीन सारी रात वोल्केनो की बेस पर गुजारते हैं रोटियां बनाते हैं और वोल्केनो को पेश करते हैं स्टूडेंट्स वी कैन मेक अ क्वेश्चन हियर विच इज़ ऑलरेडी मैंशन इन योर नोट्स द क्वेश्चन इज डिफाइन मड वोलैनोज द आंसर स्टार्ट फ्रॉम हियर बलोचिस्तान हैज़ ओवर एटी एक्टिव मड मर्ड वोलैनोज कैन बी क्वाइट कूल स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर मड वोलैनोज आर ऑफन फाउंड द आंसर स्टार्ट फ्रॉम हियर mud volcanoes are often found in areas till with the water and gas students the third question is in which areas mud volcanoes are often found in balochistan the answers start from here in balochistan there are mud volcanoes till the famous the most famous one is chandragup. i hope today's topic will be cleared now your task is to learn all these questions we will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.